वेलकम टू माय चैनल BSN इजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप एक अच्छी नर्स कैसे बन सकती हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर नर्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको नर्सिंग हिस्ट्री का पता हो। नर्सिंग हिस्ट्री में किस तरह एक नर्स इवेलुएट हुई। सबसे पहले नर्सिंग होती क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी कि अगर हम इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करें जिससे हम पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं, तो बेसिकली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की फर्स्ट थीरी ही इन्वायरमेंट बेस्ड थी। बट वर्जीनिया हेंडरसन ने कहा था कि एक यूनिक फंक्शन जो कि नर्स का है वो कि अगर किसी इंडिविजुअल या किसी वेल पर्सन का उनकी परफॉर्मेंस को अगर आपने प्रमोट करना है तो आप उनको उनके लिहाज से ही असिस्ट करें। अगर एक वेल पर्सन है तो वो जस्ट काउंसलिंग के लिए आता है तो आप उनकी जस्ट काउंसलिंग करें, लेकिन अगर एक सिक पर्सन है और वो चाहता है पीसफुल डेथ तो आप उनको उनके लिहाज से ही असिस्ट करेंगे। दो एसोसिएशंस हैं जो कि नर्सिस से रिलेटेड है, कैनेडियन नर्सिंग एसोसिएशन। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस डायनामिक होती है, केयरिंग है और हेल्पिंग रिलेशनशिप है, जिसमें नर्स असिस्ट करती है क्लाइंट को ताकि वो अपनी ऑप्टिमल हेल्थ ऑब्टेन कर सके। बट अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ये कहती है कि नर्सिस जो हैं वो डायग्नोज करती हैं और ट्रीट करती हैं ह्यूमन रिस्पॉन्स को। अब यहाँ पर ह्यूमन रिस्पॉन्स का वर्ड आया। नर्सिस बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करती हैं, नॉट द डिजीज प्रोसेस या डिजीज़ को। हिस्ट्री अगर आती है नर्सिंग की तो इनके चार पीरियड्स थे। फर्स्ट पीरियड ऑफ नर्सिंग इंट्यूटिव पीरियड था, सेकेंड अप्रेंटिंग का आया, उसके बाद एजुकेटिव और कंटेम्परेरी। तो इंट्यूटिव पीरियड्स क्या है? स्टार्ट में इंट्यूटिव पीरियड में ये समझा जाता था कि एक फीमेल या फिर एक जो मदर्स हैं वो नर्सिस के तौर पे काम करती हैं। लाइक फैमिली मेंबर में अगर कोई एक नर्स है तो वो उसके पास केयरिंग स्किल्स इननेटिव होगी। अप्रेंटिक पीरियड आया जिसमें रिलीजियस इमेज ऑफ नर्सिस जो है वो, जिसमें ये समझा जाता था कि नर्स जो है वो एक तरह से गॉड्स वर्कर है। बाइबल में भी ये जिक्र था क्रिश्चियनिटी में कि एक जो औरत है वो फू वर्ड से जानी जाती थी, जिसे डेकनेस के नाम से भी आइडेंटिफाइड हुई थी, जिसका मतलब है सर्वेंट या हेल्पर। लेकिन मिडिल एजेस में ट्रेडिशनल रोल के मुताबिक जितने भी वहाँ पे केयर टेकर्स थे वो मॉक्स या फिर नन्स की सूरत में थे। बट इस्लाम में भी नर्सिस या नर्सिंग फील्ड जो है वो भी अरूज पे आई। मुस्लिम रिलीजन में भी सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी इन द नेम ऑफ गॉड, जिसमें सबसे पहली जो नर्स थी रुफैदा अल इस्लामिया थी, जिसने बीमारों की और जो जंग के दौरान में लोग ज़ख्मी हुए थे उनका ख्याल रखा था और उनके केयर की थी। डार्क पीरियड स्टार्ट हुआ। डार्क पीरियड में हॉस्पिटल क्लोज कर दिए गए, जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही थी बंद कर दी गई और अनरिस्पेक्टेबल किया गया, इसका प्रोफेशन ख़त्म कर दिया गया और जितने भी गरीब थे या बीमार लोग थे उनकी रिकवरी बंद हो गई। उसके बाद एजुकेटिव पीरियड स्टार्ट हुआ जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रोज हुआ, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। इस पीरियड में नर्सिस को एज अ प्रोफेशन समझा गया और ये 19वीं सेंचुरी में मर्ज हुआ।